अब बीजेपी तो अखिलेश यादव के किले में सेंधमारी को लेकर पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में देखना होगा कि सपा प्रमुख किस रणनीति से अपने किले को ढहने से बचाते हैं। फिलहाल तो अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का औपचारिक तौर पर ऐलान हो सकता है। कानपुर बुंदेलखंड की 10 लोकसभा सीटों पर लगभग सभी पार्टियों ने प्रत्याशी चयन के साथ ही अपने पत्ते खोल दिए हैं। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधकर मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए रणनीति तैयार होने लगी है। इन सबके बीच फतेहपुर और कन्नौज ऐसी दो लोकसभा सीटें हैं जहां सपा ने अब तक अपने प्रत्याशी का चेहरा घोषित नहीं किया। कन्नौज से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है, तो वहीं फतेहपुर से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को मैदान में उतारा जा सकता है। दोनों ही सीटों पर अभी प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। बताया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व अपने शीर्ष नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने से पहले नफा नुकसान का आकलन करने में जुटा है। ऐसी स्थिति में सबसे असहज पार्टी के कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं और इसका असर चुनाव प्रचार पर पड़ रहा है। कानपुर बुंदेलखंड की 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने में बीजेपी सबसे आगे रही। सपा और बीएसपी ने भी कुछ सीटों पर तो अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन चर्चित सीटों में गिने जाने वाली कन्नौज और फतेहपुर संसदीय सीट पर दोनों दल जातीय और सामाजिक समीकरण साधने में उलझ गए। अपने राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष को चुनावी मैदान में उतारने से पहले सपा दूसरे दलों खासकर बीएसपी की चाल का इंतजार करती रही। बीएसपी ने भी टिकट घोषणा में खूब समय लगाया। अब आखिरी समय में बीएसपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो सपा नफा और नुकसान का आकलन करने में जुटी है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज और फतेहपुर सीट पर सपा की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। हार जीत का असर आगामी विधानसभा चुनाव यानी कि 2027 में होने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा। ऐसे में सपा फूक फूक कर अपने कदम आगे बढ़ा रही है।